आप सभी को मेरा प्रणाम। नवरात्रि पावन पर्व पर 9 दिन तक आदिशक्ति की अनेक प्रकार से विशेष पूजा उपासना आराधना की जाती है। सृष्टि की मूल चेतना प्रेरणा आदिशक्ति के कारण ही है। असुर शक्ति संहार करके देवी शक्ति संवर्धना और संस्थापना के लिए माँ दुर्गा का अवतार होता है। आदिशक्ति के अनेक अवतारों में विशेष 9 अवतार प्रधान है। आज आदिशक्ति के 9 अवतार के बारे में चिंतन करेंगे। शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय के यह पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ है असाधारण या महान ऊंचाइयों तक पहुंचना, ताकि हम चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सके। इनका वाहन ऋषभ है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए है। इनकी पूजा आराधना करने से मूलाधार चक्र में जागृत होकर ऊर्जा शक्ति सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के 9 रूपों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। इनके बाएं हाथ में जप की माला रहती है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है तथा अनंत फल प्रदान करती है। इनकी पूजा करने से स्वादिष्टान चक्र जागृत होकर अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। शरीर में दिव्य तेज और मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्राकार का तिलक विराजमान है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ है। वे खड़गा और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है और सिंह पर सवार है। देवी का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक है। मणिपूरक चक्र से मन अंतर्मुख होता है। दैवी गुणों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 4th दिन माँ के 4th स्वरूप माता कुष्मांड की पूजा की जाती है। माता कुष्मांड ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूप आदिशक्ति माना जाता है। माँ के स्वरूप की कांति सूर्य के समान होती है। इनके तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही है। माँ कुष्मांड की 8 भुजाएं है। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में जपमाला है। वह सिंह पर सवार है। अनाहत चक्र जागृत होने से इंद्रियों पर नियंत्रण, दीर्घायुष्य, आरोग्य, बल, सर्वख्याति प्राप्त होती है। नंद माता नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस रूप में वह कार्तिकेय की माता है। वह मातृस्नेह वात्सल्य की प्रतिनिधित्व करती है। देवी की 4 भुजाएं है। यह दाहिने ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को पकड़ा है और दाहिने निचली भुजाओं में कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और वह कमल के पुष्प पर विराजत है। इन्हें पद्मासन की देवी विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहते हैं। यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। माता की पूजा करने से ज्ञान, धन, समृद्धि, शक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। वाणी में शुद्धि और सिद्धि, दैवत्व प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति होती है। कात्यायनी माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी देवी के रूप में पूजा जाता है। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माँ की कठिन तपस्या और उपासना की थी। देवी ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाला हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाला वर मुद्रा में माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाता है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से दिव्य प्रकाश, अनेक रंग रूप का दर्शन और सृष्टि के सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। कालरात्रि
सातवें दिन हम देवी कालरात्रि का आह्वान करते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से अंधकार, अज्ञानता, असुरी शक्ति का नाश होता है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि का स्वरूप गहरा है, गले में मुंड की माला और बाल बिखरे हुए है। कालरात्रि के चार हाथ है, एक हाथ में वरमुद्रा, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा और बाएं भुज में कड़गा और कटिला मुसल धारण करते हैं। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। देवी कालरात्रि का पिंगल नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। देवी कालरात्रि यह अनंत अंधकार में वो ऊर्जा है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है। कालरात्रि माँ की उपासना करने से कालचक्र से हमें मुक्ति प्रदान होती है। महागौरी माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ गौरी का यह रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। माँ गौरी की चार भुजाएं हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर के बाएं हाथ में ढमरू है, नीचे के बाएं हाथ में वरमुद्रा है। इनका वाहन ऋषभ है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत है। वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है और हमें मुक्ति भी करती है। महागौरी की उपासना से सहस्र चक्र जागृत होकर परम शांति, दिव्य कांति, परिपूर्ण आनंद प्रदान करता है। सिद्धिदात्री नवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। माँ की चार भुजाएं हैं। देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री का उपासना करने से सिद्धियां लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः।